हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अब मांगों को लेकर मुखर हो गया है। बुधवार को मंच की बैठक टेकचंद कटोच की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें मंच ने मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक के उपरांत प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार पराशर ने कहा कि संघ लंबे समय से मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री से मिल रहा है, परंतु अभी तक जयराम सरकार मंच की मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि मंच की जयराम सरकार से मांग है कि HRTC कर्मचारियों को दूसरे विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भांति पहली तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाए तथा जो भत्ते रुके हुए हैं उन्हें भी जल्द बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि 19 फरवरी को बिलासपुर में परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें मंच आगामी रणनीति तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि अगर 19 फरवरी तक जयराम सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर मंच शिमला में विधानसभा का घेराव करेगा, जिसमें पूरे प्रदेश के परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी भाग लेंगे। मंडल अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश आज मंडी में जो मासिक बैठक होती है मंच की, उसमें सभी लोग आए हैं और सभी लोगों में बड़ा रोष है कि सरकार को बार बार बोलने के बजाय, बार बार मिलने से मुख्यमंत्री के आश्वासनों से आकर तंग होकर लोग जो है अब यही राय दे रहे हैं कि अब हमें संघर्ष की ओर जाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र अब यही विकल्प रह गया है कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे मुख्यमंत्री महोदय कुछ देने वाले नहीं है। हम मुख्यमंत्री महोदय से आज तक 17 बार मिले, 4.5 वर्षों में 17 बार मिले, परंतु मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं दिया। और जब ये उपचुनाव हुए थे उससे पहले भी हमने मुख्यमंत्री महोदय से कई बार निवेदन किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों के बारे में विचार विमर्श करें, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया और उसका नतीजा जो है वो उपचुनावों में उन्हें मंडी लोकसभा सीट से भुगतना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री हमारी अनदेखी करें आगे के लिए भी और आने वाले 2022 के चुनावों में भी मुख्यमंत्री को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अनदेखी का नतीजा भुगतना ना पड़े। वर्तमान में इस वक्त हमारे पास 7713 पेंशनर हैं पूरे हिमाचल में, जिनमें से 700 के करीब पेंशन हमारे जो मर चुके हैं, बाकी पेंशनों कई विधवाएं हैं और बाकी पेंशनर हैं जिनको समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। आज 9 तारीख हो गई है परंतु मैनेजमेंट सोई है, सरकार सोई है, 9 तारीख तक किसी को पेंशन नहीं मिली है। कई लोग ऐसे हैं जो कि पेंशन पर ही डिपेंड है, उन्हें खाने की भी लाने पड़ रहे हैं। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि वरिष्ठ नागरिक हमारे देश के स्तंभ हैं, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो वरिष्ठ नागरिकों को दर दर घूमने के लिए विवश कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी मांगों को माने और उनसे बातचीत करें, ताकि ये जो है आने वाले चुनावों में हम इनका साथ देंगे अगर ये हमारी बातें मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय कल्याण मंच। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा। श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां जिला ऊना में परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज के सानिध्य में विराट वार्षिक महाकुंभ, श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रवचन, संत सम्मेलन एवं भजन संकीर्तन 1 से 13 फरवरी सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जा रहा है। वहीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा 1 से 6 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से, वहीं श्री हाउ बिलाव जी महाराज वृंदावन वाले 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे भजन संकीर्तन करेंगे। गीता प्रवचन श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा 7 से 9 फरवरी तक प्रातः 11 बजे, श्रीमद् भागवत कथा स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी द्वारा 7 से 13 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी इस विराट वार्षिक महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जा रहा है।